हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं हूं आदिति, और मैं आज आपके लिए कुछ इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल रिवीजन टिप्स लेकर आई हूं, जो कि आपकी यूपीएससी की जर्नी को बहुत आसान बना देगी। अब बहुत से एस्पिरेंट परेशान रहते हैं कि भाई ऐसी क्या टिप्स होनी चाहिए जो हमारे रिवीजन को ईजी कर देगी, ताकि जब हम लास्ट मिनट पर एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो हमें रिविज़न में आसानी हो। तो गाइज, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको ईजिली आपके रिविजन में हेल्प करेंगी। एंड दीज टिप्स आर टाइम टेस्टेड ऑल्सो। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। तो पहली टिप ये बोलती है दैट यू मस्ट ऑलवेज मेक नोट्स फॉर रिविजन। अब बहुत से एस्पिरेंट क्या करते हैं, दे मेक अ मिस्टेक ऑफ मेकिंग लेंथी नोट्स। अब वो सब्जेक्टिव नोट्स बना लेते हैं और वो काफ़ी लेंथी होते हैं। अब देखिए, जो लेंथी नोट्स होते हैं ना, वो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, और इतना समय आपके पास नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन यू हैव अ लिमिटेड टाइम, और जब टाइम लिमिटेड है तो इतने लेंथी नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो नोट्स आप ऐसे बनाइए जो आपके रिविजन को फैसिलिटेट करें, ठीक है? ना तो सब्जेक्टिव नोट्स बनाइए, ना इतने लेंथी बनाइए। हर सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए पॉलिटी की कोई भी चैप्टर है, एंड इट्स लाइक यू हैव, अगर बहुत नेसेसरी है तो नोट्स बनाइए, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स उसमें डालिए, ठीक है, कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए, उन्हें समराइज किए करिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट का, लाइक होल पॉलिटी का आप नोट्स बनाने बैठ जाओगे, दैट वोंट बी, इट वोंट हेल्प यू आउट। ओके, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो आप नोट्स बनाओ ना, इट शुड बी एक्सक्लूसिवली अ कलेक्शन ऑफ क्रिस्प डेफिनेशंस। इट शुडंट हैव ऑल दैट हॉश पॉश उसमें ऐड नहीं करनी है, ठीक है? क्रूशियल फ्रेजेस डालिए उसमें, हाइलाइटेड एग्जांपल्स डालिए, इम्पोर्टेंट डेटा डालिए, ठीक है? अथॉरिटी फिगर्स होनी चाहिए, स्मार्ट डायग्राम्स होने चाहिए, दीज थिंग्स आर सफिशिएंट, यू शुडंट हैव टू ऐड ईच एंड एवरी थिंग इन टू दैट। ओके, और जब भी इफ़ यू हैव टू रीड योर नोट्स, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो। तो नोट्स कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और वो आपने करीब 60 मिनट्स पढ़ा, एक घंटे तक आपने वो चैप्टर पढ़ा। आप क्या करिए, अपनी बुक को कर दीजिए बंद, और एक पेपर लीजिए, और जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स आपको याद है, हर एक पॉइंट को लिखिए। और मान लीजिए कि अगर आप कोई पॉइंट भूल भी गए, तो दोबारा से अपनी बुक उठाइए, उसमें चेक करिए कि आप कौन सा पॉइंट भूल गए, एंड देन ऐड दैट पॉइंट इन टू योर पेपर। तो इससे क्या होगा, इससे जो आप समराइज करोगे वो ईजी हो जाएगा, यू विल समराइज ईच एंड एवरी थिंग, और भूलने के भी चांसेस बहुत कम रहेंगे। और गाइस, आप अपने स्केड्यूल में अपने जो स्लॉट्स बनाइए रिवीजन के, वो काफ़ी सारे बनाइए, ताकि आप डेली जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी, मान लीजिए जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो आधे घंटा उसका रिवीजन किया, ठीक है, तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में जो मेरा स्टडी स्केड्यूल है मैं वो भी कर लूँगा, और जो मेरे प्रीवियस रिवीजन है वो मुझे रिवाइज करने तो वो भी कर लूँगा, तो दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। क्योंकि इससे क्या होगा ना, कि आप जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ओवरलोड हो जाएगी और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, जो नॉलेज होगी वो लीक हो जाएगी, इट वॉन्ट गेट इन टू योर ब्रेन, दैट विल बाउंस अप। ओके, चलिए दूसरी टिप देखते हैं। तो दूसरी टिप बोलती है दैट यू मस्ट अडॉप्ट द राइट वे टू रिवाइज। अब क्या सही तरीका होना चाहिए रिविजन करने का, ये भी एक बात है। तो देखिए, आप डेली रिवाइज करेंगे दैन इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू विल रिवाइज इन अ स्मॉलर स्लॉट लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो वट यू हैव टू डू, यू नीड टू एलोकेट रिविजन स्लॉट्स लाइक सब्जेक्ट वाइज। लाइक आई टोल्ड यू, जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा उसका रिविजन करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए तो उसका रिविजन करिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं, कवर हो जा रहे हैं, ठीक है? और इससे पता है क्या, इससे आप बोर भी नहीं होगे, जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, ऐसा भी नहीं होगा, रिविजन भी हो रहा है और सारी चीज़ें आपके ब्रेन में रहेंगी। ओके, सो वेन यू एलोकेट एक्सक्लूसिव रिविजन स्लॉट्स टू सिमिलर सब्जेक्ट्स, रिकॉल और रिटेंशन, दिस बिकम्स ईजियर टू अचीव। तो क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, सो दे एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज वाइल रीडिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट, वो भी डिफरेंट नोट्स में। सो वेन यू क्लब रिपीटेड
कंसेप्ट टुगेदर, सो दिस कन्फ्यूजन कैन बी अवॉइडेड. अब देखते हैं टिप नंबर 3. नाउ यू मस्ट हैव अ स्ट्रिक्ट टू डू लिस्ट. अब गाइज, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन यू शुड हैव अ परफेक्ट स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ. लाइक एक ऐसी टू डू लिस्ट होनी चाहिए जिसे आप फॉलो करें, अपने मन में बिठा लीजिए कि हाँ हमें करना है. एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस लेकर आइए अपने ऊपर, ठीक है. एंड यू शुड हैव अ प्रोस्पेक्टिव. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. सो मेक अ टू डू लिस्ट कि भाई मंडे को मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये रिविजन करना है, एंड आई विल डू दैट. ओके, सो सेट अ टाइम टेबल. उसमें आप सारी चीज़ें करिए, बिकॉज पढ़ते पढ़ते भी यू विल गेट बोर्ड, कभी कभी मूड भी नहीं होगा. तो हर चीज़ को, एक सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखे, एक टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है. तो इस टू डू लिस्ट में क्या होना चाहिए, यू नीड टू एलोकेट डिफरेंट डेज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट डे बनाइए, ऑल्टरनेटिव भी चल दीजिए, ठीक है. क्लब सब्जेक्ट्स इन डिग्री ऑफ द इम्पोर्टेंस. अब क्या करिए कि जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से अपने वो बनाइए, ठीक है. मार्क्स के हिसाब से, डिफ़िकल्टी के हिसाब से, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ठीक है, और कौन किस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. मेक दैट एंड इट विल बिकम ईजी फॉर यू. ट्राई टू कीप सिमिलर सब्जेक्ट्स टुगेदर. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सिमिलर रखने की कोशिश करिए. और अ टू डू लिस्ट इज़ एन अमेजिंग टू टू कीप अ टैब ऑन टाइम एंड द अमाउंट ऑफ रिविजन कवर्ड एंड वॉट रिमेन टू बी कवर्ड. आपको याद रहेगा कि मैंने आज कितना कवर किया, कल मुझे कितना करना है, ठीक है. और इसी हिसाब से यू विल हैव अ परफेक्ट पैटर्न एंड दिस विल बिकम अ गेम फॉर यू कि आज मुझे ये लेवल क्रॉस करनी है, मुझे फिर दूसरी लेवल क्रॉस करनी है. तो डे बाई डे दैट विल इंक्रीज एंड यू विल गेट इंटरेस्ट इन टू दैट. ओके, सो मेक अ टू डू लिस्ट ऑल्सो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर टिप नंबर 4. नाउ यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी का तो सब बहुत यूज़ करते हैं. यू यूज़ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ठीक है, और आप लोग टैब्स यूज़ करते हैं, आईपैड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं. तो अब आप खुद को टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा एडवांटेज भी लेना सीखिए. ये नहीं है कि उसमें पूरा दिन फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. डोंट डू दैट. यूटिलाइज इट. लेक्चर्स देखिए, ठीक है, और आप तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है. तो ईजिली सॉफ्ट नोट्स बनाइए. You shouldn't have to write all those notes. That will become, that is time consuming also. वो थोड़े lengthy भी होते हैं. और आपके लिए जब एक option है कि आप soft notes बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाएं, क्यों नहीं हम technology का use करें. Use that. और दूसरी चीज़ आप web पे search करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. जैसे आपको subject related कुछ ढूंढना है तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं, उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन टेक फ्रॉम द टेक्नोलॉजी. व्हेन इट इज़ गिविंग देन प्लीज़ टेक. ओके, चेक अप ऑन करंट अफेयर्स ऑल्सो. अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखिए. एक 360 व्यू बनाइए. जैसे आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको करंट अफेयर से लिंक करिए, अपना ओपिनियन बनाइए, काउंटर ओपिनियन बनाइए, सारी चीज़ें करिए. और इसमें टेक्नोलॉजी का बराबर यूज़ करिए, क्योंकि ये आप कर सकते हैं. ओके, बिकॉज यू कैन वॉच वीडियोज़ और अपने जो आपके एक्सप्लेनेशंस हैं वो ईजी हो जाएंगे. जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है तो देखिए, कोई वीडियो देखिए, उसमें वो अगर वो चीज़ ईजिली समझाई जा रही है उसको पढ़िए एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग. नाउ टिप नंबर 5, यू मस्ट टेक मल्टीपल मॉक टेस्ट. नाउ टेकिंग मॉक टेस्ट मेक्स इट बेटर फॉर यू, बिकॉज देर इज़ नॉट अ बेटर वे टू असर्टेन द ग्रोथ एंड नॉलेज यू हैव गेन्ड टिल डेट. सो अदर देन बाय गिविंग मॉक टेस्ट यू हैव, लाइक मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, अब उसमें आप कुछ गलतियां भी करेंगे तो उन गलतियों को एनालाइज़ कीजिए कि हमने कहाँ कहाँ क्या गलती करी है, किस सब्जेक्ट में हमसे गलती हुई है, ठीक है. उसको उसी क्वेश्चन को जाके देखिए कि भाई मैंने इस क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा था या मैं भूल गया था तो मुझसे गलती हो गई. राइट इट डाउन, नोट ईच एंड एवरी थिंग कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई है एंड यू विल गेट टू नो दैट वेयर डू यू स्टैंड. आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो रहे हो,
क्या पोजीशन है अभी आपकी, ठीक है, मान ली। और अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं मॉक टेस्ट में तो कोई बात नहीं, अगर आज 50 आ गए तो कल 100 आ जाएंगे, धीरे धीरे 120 भी हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विद योर मॉक टेस्ट, ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस योर क्वेश्चन पेपर, दैट विल मेक यू लाइक, आपको जो, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आप 360 डिग्री व्यू बना सकते हो कि मैंने ये सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन था, इसको मैं देख रहा हूँ, मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है, अब मुझे इससे, अगर मैं इसके बारे में और देखूँगा तो मुझे चार और ऑप्शन मिल जाएंगे, तो दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू। सो मॉक टेस्ट आर एब्सोल्यूट रेप्लिकास ऑफ UPSC CSE, ओके। सो व्हेन यू गिव अ मॉक टेस्ट यू विल नॉट ओनली रियलाइज वॉट योर करंट लेवल ऑफ ग्रोथ इज, बट ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेज टाइम एंड टेंशन ऑफ द एग्जाम बिफोर द डी डे अराइव्स, ओके। सो द सेम एक्सपर्ट्स हु विल ऑल्सो गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स इफेक्टिवली इवेल्यूएट्स द मॉक टेस्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप नंबर 6। नाउ यू मस्ट चूज वाइजली बिटवीन नोट्स एंड क्विजेस। तो अब देखिए गाइज, नाउ यू हैव टू चूज योर, आपको चॉइस बनानी पड़ेगी कि आप नोट्स पे डिपेंडेंट हो गए या क्विजेस पे डिपेंडेंट हो गए। सो नाउ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर कंपेरेटिवली लाइक सिंपल एंड डू नॉट एसेंशली रिक्वायर नोट्स टू बी रेड रिपीटेडली। अब नोट्स को ऐसा नहीं है कि आप बार बार पढ़ते रहो, तो क्विजेज ईजी होती हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप जितना 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 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, क्विजेस करोगे, ठीक है, जैसे आपने मान लिया 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बढ़ जाएगी। क्योंकि मान लिया आपने गलत किया या आपने वो क्वेश्चन सही भी किया, पर आप में क्यूरियोसिटी जनरेट होगी इन ऑर्डर टू नो अबाउट दैट थिंग कि भाई मैंने ये चीज़ सही करी थी और मुझे इसके बारे में पता था, और आप और भी ज़्यादा उसमें डीप जाने की कोशिश भी करोगे। सो फॉर सच ईजियर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर क्विजेज रैदर देन स्टडीइंग नोट्स व्हाइल सॉल्विंग क्विजेज। यू विल नॉट ओनली असेस योर नॉलेज बट विल ऑल्सो बी रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट एट हैंड। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टिप नंबर 7। दिस इज द लास्ट टिप। नाउ चूज द राइट रिविजन मेथड। अब राइट रिविजन मेथड क्या होगा? तो पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो तो ये है कि पहले तो एक स्टैंडर्ड रिविजन मेथड होता था ऑफ रिवाइजिंग स्टडीड पोर्शन, ठीक है, आफ्टर वीक्स और हैविंग, मतलब उसको थोड़ा काफ़ी मंथ्स तक ऐसे रिवाइज करते थे लोग, ठीक है। बट उससे क्या होता है ना कि जितना जितना गैप होता जाता है ना, मान लीजिए जैसे बहुत ज़्यादा गैप हो गया आपके रिविजन में, तो वो चीज़ आप भूलने लगोगे बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रह सकती, ठीक है। तो फिर अगर वो गैप मेंटेन हो गया तो आप फिर आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल करने में थोड़ा सा लैक कर जाएगी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड लर्निंग विल ऑल्सो बी देयर। तो आपको क्या करना है, फॉर द फ्रिक्वेंट रिविजन मेथड आपको वो 3-tier रिविजन मेथड का यूज़ करना है। अब ये क्या होता है, तो पहली चीज़ ये है कि रिविजन शुड बी डन थ्राइस अ वीक, ठीक है, और रिविजन जो है आपका इट्स टू बी डन इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, जैसे पहला दिन रिविजन का दैट मस्ट बी द डे यू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और सेकेंड डे होना चाहिए रिविजन का, वो होना चाहिए आपका थर्ड डे। लाइक 1-3-3 वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, जैसे कि पहला दिन यानी कि 24 आवर्स जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसका रिविजन किया, थर्ड डे उसका रिविजन किया, थर्ड वीक उसका रिविजन किया और थर्ड मंथ उसका रिविजन किया। सो दैट यू शुड नो कि मुझे भाई याद है मैंने ये चीज़ पहले दिन पढ़ी थी, तीसरे दिन फिर मैंने इसका रिविजन किया, फिर थर्ड वीक में किया। या यू कैन डू वन थिंग, आप वीक एंड पे भी उसका रिविजन कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंटेन अ लिस्ट फॉर दैट कि मैंने भाई अपने लिस्ट में ये ऐसे ऐसे मार्क कर रखा है कि आज मैंने ये पढ़ूंगा तो कल मैं इसका रिविजन करूँगा या मैं परसों इसका रिविजन करूँगा। सो मेंटेन दैट, ओके। सो द थर्ड डे मस्ट बी द एंड ऑफ द वीक एंड दिस मेथड विल फैसिलिटेट रेपिटेटिव रिविजन ऑफ सेम कॉन्सेप्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सो हेंस सेविंग अप अ लॉन्ग रिविजन आस एंड इनलेविंग मेमोरी रिकॉल एंड रिटेंशन। तो गाइज, आप सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको समराइज बहुत
आपको समराइज करना चीज़ों को बहुत इजी करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको समराइज करो, एनालाइज करो, ठीक है, एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट बनाओ। जो आपका स्टैटिक है, मान लीजिए आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, तो आप देखिए कि उस हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट न्यूज़ तो नहीं है। अगर कोई करंट न्यूज़ है तो उसको पढ़िए, ठीक है। फिर एक ओपिनियन सेट करिए आप। जब मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है किसी चीज़ पे, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसका काउंटर ओपिनियन देखिए, ठीक है। और माइंड मैप बनाइए अपने माइंड में, जस्ट क्रिएट अ मैप इन योर माइंड और उसमें सारी चीज़ें ऐड करिए, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन से यू कैन डिस्कस अबाउट द थिंग। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, ओल्ड मेथड यूज़ करिए, अपने आप को पढ़ाइए, ठीक है, या फिर अपने आप को पढ़ाते समय अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, क्योंकि इंसान को बहुत पसंद होता है अपनी आवाज़ खुद सुनना, तो उसको सुनिए दोबारा से, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट आपने, किस चीज़ पे आपने पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हुआ है, उसको एनालाइज करो, ठीक है। और एक सिलेबस गाइड बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करिए आप। जितने जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना उतना आपके लिए इजी होता रहेगा, ठीक है। और एक मेथड यूज़ करिए, कॉन्सोलिडेट इन्फॉर्मेशन एंड देन एक्सपैंड दैट। एक बुलेट पॉइंट बनाया आपने, उसके उस पॉइंट पे आपको फिर एक्सपैंडिंग, लाइक यू शुड हैव अ एक्सपैंडेड नॉलेज अबाउट दैट, ठीक है। इतना भी नहीं कि आप सीधे PhD कर लो उस पर, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू, प्लीज़ एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपके पास। मेक अ पर्सपेक्टिव, मेक योर ओपिनियन व्हेन यू आर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, एन IAS एस्पिरेंट यू आर, देन प्लीज़ हैव अ पर्सपेक्टिव, ट्राई टू मेक दैट एंड टॉक टू योर सेल्फ अबाउट दैट, दैट विल मेक इट वेरी ईजियर, ओके। सो दीज वर द फ्यू टिप्स फॉर यू, आई होप यू पीपल विल लाइक दैट एंड थैंक यू गाइज। हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लाते रहेंगे, ओके। So do subscribe our channel and like the video if you find it informative. Thank you guys. Have a lovely day.